हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एससी वर्मा चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी का प्रॉब्लम नंबर 49 डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है, एक हेवी ब्लॉक जो है एक लाइट रड से अटैच है, ठीक है, और उसे हम रोटेट कर रहे हैं। एक एंड जो है आपकी रड की वो क्लैंप की हुई है, तो जो क्लैंप की हुई है उस पोर्शन को एज ए सेंटर उसे रोटेट की जा रही है। तो मैक्सिमम मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ब्लॉक को कितनी देनी होगी कि ब्लॉक जो है पूरा एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, ठीक है, मीन्स वर्टिकल सर्कल। ये फिगर आप देखिए, तो हमें ए पर कितनी ए पोजीशन पर जब ब्लॉक है तो इसे कितनी वेलोसिटी देनी है वो फाइंड करनी है। तो सपोज हम वेलोसिटी वी से देते हैं, ठीक है, और बी पर पहुंचने के लिए देखिए, जब भी मिनिमम वेलोसिटी की बात करें तो टॉप पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी जीरो लेंगे तो आपकी बॉटम पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, तो ये स्पीड आपकी v इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एनर्जी, इनिशियली देखिए, हम अगर ए को रेफरेंस लेवल मानते हैं, ये हमारा हो गया रेफरेंस लेवल, तो रेफरेंस लेवल पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो ब्लॉक की है वो जीरो हो जाएगी। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यू ए, यू ए हमारा पोटेंशियल एनर्जी ए पोजिशन पर, वही काइनेटिक एनर्जी के ए इक्वल टू पोजिशन बी की बात करें तो यू बी हमारी पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन बी प्लस के बी काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी। अब देखिए, यू ए हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने ए को रेफरेंस लेवल ले लिया है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी मिनिमम वेलोसिटी है। इक्वल टू यू बी की बात करें तो यू बी हमारी पोटेंशियल एनर्जी एट पोजिशन बी, तो ये m इंटू जी इंटू एच होगी, ठीक है, और h हमारा कितना हो जाएगा, देखिए h इक्वल टू पूरा डायमीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा, और 2l हम कर सकते हैं क्योंकि रेडियस जो होगी हमारी l के बराबर, l हमारा लेंथ ऑफ द रड है, तो m डी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी पोजीशन b पर जीरो। अब देखिए, ये हमारा हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू m इंटू जी, और h हमारा हो गया ट्वाइस l, ठीक है, m और m तो कैंसिल हो जाएगा, और हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो v स्क्वायर हो गई हमारी 4g इंटू l, देयरफॉर v इक्वल टू 2 अंडर रूट जी एल, ठीक है, यही हमारी रिक्वायर्ड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 49 के सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।